हेलो, कैसे मेरे दोस्त? कैसे हो? हाय बड़ी, कम ऑन यार, आ जा इधर। हाय सुधीर, सो नाइस मीटिंग यू। थैंक यू, प्लीज आओ बैठो यार, आओ। यार सुधीर, बड़ा अच्छा लगा तू आ गया। आई वाज फीलिंग वेरी लोनली। अरे दोस्त होते किस लिए हैं, लोनलीनेस दूर भगाने के लिए तो होते हैं। नहीं लेकिन आज पता नहीं क्यों बड़ा अकेलापन महसूस कर रहा था। मैं कई बार सोचता था कि काश मतलब तुम उस समय मेरे पास होता तो मैं जिस सिचुएशन से मैं गुजरा हूँ तो शायद मुझे इतना अकेलापन महसूस ना होता। अरे बातें करेगा, कुछ खाने पीने को बुलाएगा। सॉरी यार, सॉरी सुधीर, मैं अपनी प्रॉब्लम में इतना खो गया था, मैं पूछना भूल गया कि दोस्त लेगा क्या। क्या लेगा पता? ठंडा कॉफी, चाय? नहीं मंगवा लो। हाँ विशाल। यस सर। ठंडा ले आना जरा दो। जी सर। कभी इनके बॉस चले होते हैं, कभी इनकी पार्टियां, कभी इनके दोस्त चले होते हैं, नौकर बना के रखा हुआ। आजा विशाल। और सुधीर सफर कैसा रहा? बढ़िया भाई, ठीक है। चलो अभी लीजिए फ्री। चल अब बता, मेरा दोस्त इतना उदास क्यों है आज? क्या हो गया? उदास नहीं यार, बस कुछ पिछली बातों को कुछ सोच रहा था मैं, बीते हुए जमाने की। पर मैं सोचता हूँ कि इसके बारे में क्या डिस्कस करना, कुछ और टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अरे और क्या बात करनी यार। और ये बताओ, बच्चे कैसे हैं, क्या कर रहे हैं आजकल? यार तुझे मालूम है कि दो बेटे हैं मेरे। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों बेटों को सेटल कर दिया।
मेरे ख्याल से तुमने नोट किया होगा आते वक्त रतन सिंह चौक में जो नया कॉम्प्लेक्स बना है। अरे वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो है। हाँ। क्या वो अपना ही है यार। क्या बात है भाई, क्या बात है, फिर तो मजे है तुम्हारे यार, तभी मिलने नहीं आते दोस्तों। ऐसी बात नहीं है सुधीर, बच्चों को समझाना आजकल इंटरफेयर लगता है बच्चों को। वो तो तुझे मालूम होगा, एक समय में गरीबी देखी है मैंने। बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रगल किया हमने, मैंने गरीबी में भी स्ट्रगल के टाइम पर भी मैंने पुरखों की इजाजत को मैंने छुआ नहीं। सही बात, क्योंकि वो मेरी कमाई नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बच्चों के लिए पुरखों की सारी इजाजत बेची हमने। क्यों, ऐसा क्यों? बस बच्चे जिद करने लगे, पापा हमने ये बिजनेस करना है, बेटी की शादी आ रही थी, इनको शौक है बड़े बड़े घरों में रहने का। हमने तो एक यार, हम मिल चुके हैं बचपन में, हमने हम पहला करते थे, एक छोटा सा घर था। बिल्कुल सही बात है। अब जब सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी बच्चों की, तो बच्चों के पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए, अपने पापा के लिए। और बेटी? नहीं, मैं एक चीज बोलूंगा, बेटी बड़ा ख्याल रखती है मेरा। क्या हुआ? बेटी को फिक्र रहती है मेरी। बेटियां होती है ऐसी। सारी सेविंग बेटी की शादी में लगा दी, तकरीबन 20 लाख का तो दहेज ही था। अरे और खर्चा अलग। दुख किस बात का है कि ससुराल वालों ने कदर नहीं की, बस बेटी को मतलब आने नहीं देते हमारे यहाँ पर। अरे ऐसे हालात क्यों, तुमने पढ़ाया नहीं था क्या बच्चों को? पढ़ाने लिखाने से क्या होता है, पैसा ही बर्बाद है, सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं। तू जानता है यार, रिजर्वेशन कोटा जनरल कैटेगरी का तो मतलब बहुत ही मुश्किल है सीट लाना। प्राइवेट नौकरी में मिलेगा कितना, 15,000-20,000? हाँ ये भी है। इससे अच्छा यार खुद का बिजनेस शुरू करो। हाँ बात तो ठीक है। और बेटी को भी नहीं पढ़ाया? यार बेटी को पढ़ाकर भी क्या होगा, मेरी छोट अपने सुना, तुम्हारी भी एक बेटी है ना, दिव्यांग है, भगवान ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। इस उम्र में बीमार बच्ची का बोझ, उसके कोख से कहां बचा जा सकता है। जब कभी बच्चों की इग्नोरेंस चुपती है, तो तेरा ख्याल करके उस ईश्वर के आगे हाथ जोड़ लेता हूं कि चलो जैसा भी है, कुशल मंगल तो है तीनों बच्चे मेरे। अरे क्या हुआ, कहाँ खो गया? हाँ मेरी बेटी दिव्यांग है, व्हीलचेयर पे है वो, ये कोई बड़ी बात नहीं। अर्बन एरिया में तो 31% तक के बच्चे जो हैं वो दिव्यांग हैं, और कईयों को कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि मेरी जो बेटी है ना, ये मेरे उस ईश्वर का प्रसाद है मेरे, जिसकी मैं रोज पूजा करता हूँ। जानते हो गैलेक्सी इंटरनेशनल का नाम सुना होगा, मेरी बेटी वहां पे चीफ इंटीरियर डिजाइनर है, और महीने का 2-3 लाख रुपया वो कमा लेती है, और साथ में एक एनजीओ भी चला रही है जो अपने जैसी बच्चियों की मदद करती है उसमें। और अभी ये पिछले महीने की बात है, उसने वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता है। तो मुझे अपनी बेटी पे गर्व है, वो दिव्यांग नहीं मेरे लिए, वो सर्वांग है। और सबसे बड़ी बात मेरे दोस्त, वो अपने माता पिता का ध्यान रखती है, इससे बढ़ के और क्या चाहिए एक माता पिता को। पर ये सब कैसे? ये सब टाइम और एजुकेशन अगर बच्चे को सही ढंग से दी जाए ना, तो बच्चा कहीं का कहीं पहुंच जाता है। मैंने अपने बच्चे को टाइम दिया है, उसको एजुकेशन दी है, उसकी आंखों में सपने सजाए हैं। अगर उसका एक अंग गया है तो ईश्वर उसको एक वरदान देता है, उसमें कई और खूबियां हैं। हम खूबियों को नहीं देखते, हम बच्चे की दिव्यांगता को देखते हैं। आज उसी का परिणाम है कि मेरी बच्ची आसमान पे है, बुलंदियों को छू रही है वो। और इसमें मैंने मेरे दोस्त अपना कोई फायदा नहीं देखा है। उसने मुझे जो बोला कि पापा मैंने ये करना है, मैंने उससे करवाया। मैंने उसे ये एहसास नहीं दिलाया कि तू कमजोर है, बल्कि मैंने उसे एक चीज बताई है कि बेटा, जिस फूल को सबसे ज्यादा महकना होता है
उसी को ही सबसे ज्यादा सहारे की आवश्यकता होती है, उसी को ही आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। तुम्हारी सोच बहुत ऊपर की है, हम तो बुढ़ापे की पेंशन के लिए बच्चा पैदा करते हैं, बेटा होगा तो कमा के खिलाएगा, सेवा करेगा, कुल को आगे बढ़ाएगा। हम तो बच्चा पैदा होने से पहले ही पता नहीं हजारों उम्मीद लगा लेते हैं, और अगर बेटी पैदा हो गई तो हम उसे बोझ समझने लगते हैं, जल्दबाजी करते हैं कि किस तरह ये बोझ हमारे सर से दूर हो। और अगर दिव्यांग बच्चा पैदा हो जाए, हम पता नहीं सोचते हैं कि किन कर्मों की सजा हमें मिल रही है, टूटे बर्तन की तरह हम उसे घर और समाज से छुपाने की कोशिश करते हैं। पर यार ये रीत भी तो समाज ने बनाई है, और हर किसी की बस की बात नहीं है समाज से अलग होना। काश मेरी दीक्षा भी तुम्हारी आराध्य की तरह होती, काश मैंने भी उसे एक अच्छी एजुकेशन और संस्कार दिए होते। अरे कौन से समाज की बात कर रहे हो यार, यहाँ पर दो तरह का समाज है, एक वो जो बेटियों को बेचता है और एक वो जो उनको खरीदना अपना फैशन समझता है। हम तो वैसे ना हुए, क्योंकि हमें मालूम है ये गलत है, और गलत को खत्म करो, वहीं पे खत्म करो, उसे घसीटो मत मेरे दोस्त। आज समाज को ही देख लो, हनुमान को और गणेश को पूजते सभी हैं, पर घर में बच्चा कृष्ण जैसा चाहिए। अरे ये क्या बात हुई। और ये समाज जो भगवान को ही ना अपना सका, तो उसकी ये देर इन बच्चों को क्या अपनाएगा। हाँ यार, मैं भी इसी समाज का हिस्सा हूं। काश मैंने अपनी बेटी दीक्षा को तुम्हारी तरह समय और अच्छी एजुकेशन दी होती, नहीं तो आज जो मैं महसूस कर रहा हूं एक अकेलापन, वो ना होता। और मैं अपने लड़कों की क्या ही बात करूं, वो तो आउट ऑफ कंट्रोल है। ऐसा क्यों कहते हो यार, बच्चे हैं वो आपके, बेटे हैं आपके, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जाओ उनके पास, पर इस बार समझाने को नहीं, उनको समझने को। देखना यही बच्चे कल को तुम्हारे लिए सहारा बनेंगे, तुम्हें सिर आंखों पे बिठाएंगे, तुम्हारा नाम रोशन करेंगे। अरे बात तुम्हें पता है जला कितना टाइम हो गया। सॉरी मेरे दोस्त, अब मुझे जाना होगा, ये देखो घर से भी कॉल आ रही है, बिटिया वेट कर रही है, आराम से इंतजार कर रही है, मुझे जा तो मेरे दोस्त चले, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे, खुश रहना हमेशा, मेरा दोस्त भी उदास नहीं चाहिए, बाय, मिलते हैं। जाते जाते बड़े पते की बात बता के गया दोस्त।